सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो गाइज आज अपना डे 3 है कोर्स सीरीज का। तो गाइज जैसे कि आपको पता हो कि अपने यूट्यूब चैनल पर एक कोर्स चला रखा है मैंने, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। तो आज उसका डे 3 है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बियरिस अबॉन्डेड कैंडलस्टिक। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप करके एंड तो वॉच करना गाइज। अगर आपने इसका डे 2 नहीं देखा है तो उसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो पहले उस वाले कैंडल को आप समझ लेना, उस वाले कैंडल स्टिक पैटर्न को, उसके बाद फिर ये आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लाइव आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो मैं 10% के लिए रिस्क ले लिया लेकिन काफी ऊपर लिया है। तो ये वाला पैटर्न आपको बताता हूँ मैं कौन सा बताया था। डे 1 वीडियो आप चेक करना। ठीक है, डे 1 वीडियो में मैंने आपको ये पैटर्न बताया। अभी तक आपको याद हो बुलिस इनकल्फिंग बियरिस सॉरी बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न, ये वो पैटर्न था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले अगर एक रेड कैंडल होगी उसके बाद एक बड़ी कैंडल ग्रीन होगी तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमेशा ग्रीन बनेगी। अगर ये अपनी रेड बनती तो हम यहाँ MTG यूज कर सकते थे। देखो गाइस आपके सामने लाइव ये पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। ये मैं डे 1 में बताया था। डे 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लेना। तो गाइज मैंने इसकी प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में भी सारी ये सीरीज उसमें मैंने ऐड करता जा रहा हूँ। तो देख लो आपके सामने लाइव प्रॉफिट है, देख लो सेम वैसा ही पैटर्न बनाइए वाला। तो गाइज आज की वीडियो अपनी डे 3 बेरिस अबॉन्डेड बेबी। तो और उससे पहले गाइज अगर आपको क्वेटिक से फ्री सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @SimpleMindTrader, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो। और गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, नीचे प्यार से कमेंट कर देना जितना हो सके, वीडियो को शेयर करना क्योंकि गाइज अपने चैनल की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसको आप ही ठीक करा सकते हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यार से कमेंट कर देना। चलिए अभी चलते हैं हम अपने ग्राफ पे। सो गाइज देख लो ये अपना ग्राफ है बियरिस अबॉन्डेड कैंडल का। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज समझनी है ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि बिना स्किप करके देखना। अगर तो आपको प्रो लेवल का ट्रेडर बनना है ना, तो जितना ये मैं सिखा रहा हूँ ना ये आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, किसी बात के पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो अच्छे से डेली वीडियोज को फॉलो करो। और गाइज ये मैं एक एक चीज को इतने ध्यान से क्यों समझा रहा हूँ पता है, अगर मैं चाहूँ ये सारा मैं एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ, लाइक आधे घंटे एक घंटे की वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ को इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लूंगा गाइज, मैं लगभग 2 से 3 मंथ लग जाएगा इस कोर्स को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन एक एक चीज़ आपको ऐसे समझा दूंगा बिल्कुल डीपली वे में। ठीक है, इतना डीपली वे में गाइज पूरे यूट्यूब पे मैंने तो अभी तक कोई देखा नहीं है जिसने समझाया होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो जो ये वाली जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम, और साथ में ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीन कैंडल मिला के अपना ये पैटर्न बनता है बियरिस अबॉन्डेड बेबी कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं बेबी कैंडल। ठीक है, अभी मैं यहाँ से पेंसिल लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाएगा, क्योंकि उसमें अच्छे से आपको मार्क के समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये वाली है अपनी बेबी कैंडल, ये दी इसको बोलते हैं हम बेबी कैंडल। और ये जो कंप्लीट पैटर्न है यहाँ से लेके ये वाला, साथ में ये वाली जो कैंडल है ये, इस कंप्लीट पैटर्न को बोलते हैं हम बियरिस अबॉन्डेड कैंडल। बियरिस का मतलब होता है डाउनिंग का। ठीक है, ये हमें डाउन के लिए इंडिकेट करेगा। अब आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी है। ठीक है, देखो आपका यहाँ से एक ट्रेंड चलेगा आपका अप के लिए ट्रेंड, लाइक ऐसे भी हो सकता है कंटिन्यूसली अप साइड में हो सकता है या फिर सीधा अप साइड में आपका ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज देखनी है, आपके बिल्कुल टॉप पे जाके जब इस टाइप का पैटर्न बन जाए ये, और इस पैटर्न में ये वाला गैप होना चाहिए, ये जो गैप देख रहे हो ये वाला। ठीक है, इस कैंडल के बाद गैप अप में ये वाली कैंडल अपनी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल जो अपनी ओपन होगी वो इसमें गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए, ये रेड वाली जो कैंडल है।
यानी कि ग्रीन कैंडल है, या जरूरी नहीं गाइस बड़ी कैंडल होगी है, लाइक इस टाइप की कैंडल हो सकती है, जैसे ये छोटी होगी कैंडल, ये वाली इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है ये रही, लेकिन आपकी ये बिल्कुल टॉप में जाके बनेगी और कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा ना, क्योंकि उसके बाद अब क्योंकि ये गाइस ये अपने ट्रेंड में चलती है मार्केट, क्योंकि एक बार जो इसका टॉप लेवल होता है वहां तक मार्केट जाती है ये, उसके बाद इस टाइप का पैटर्न बनाएगी मार्केट और वहां से डाउनफॉल करेगी, यानी डाउनिंग के लिए गिरेगी वहां से मार्केट, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि जब भी ये कंटिन्यूसली ट्रेंड मार्केट में गैप अप में इस टाइप की कैंडल बना दे, जिसका जो अपर वीक है वो 50% रहेगा, जो बॉडी है वो 10% रहेगी, जो इसका नीचे का जो वीक है ये 40% रहेगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन डोजी हो, ठीक है, इसको बेबी कैंडल बोलेंगे वैसे, लेकिन थोड़ी डोजी टाइप की है तो हम इसको डोजी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें ग्रीन, आपको जो दिखा कि ग्रीन ही होनी चाहिए, रेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक होती है इसमें रेड ना, इसमें रेड ऑप्शन होता ना उसमें ग्रीन ऑप्शन होता, जैसे इस कैंडल का जो ये जो मिडिल लाइन है ना, इस लाइन की भी एक डोजी टाइप कैंडल होती है, तो उस टाइप की कैंडल आपकी बननी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली है जो रेड वाली, ये गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए, यानी कि देख लो ये लेवल है इसका, ये रहा दोनों कैंडल के बीच में गैप है, इस तरीके से होना चाहिए, उसके बाद ये डाउन बनेगी। आपको ट्रेड इस कैंडल पे करनी है जो यहाँ पे ग्रीन शो कर रही है ना, डाउनिंग के लिए करनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो हमें गलत बता रहे हो कि यहाँ पे तो कैंडल यहाँ ग्रीन बनी हुई है, तो गाइस 100 में से 2 से 4% चांस ऐसे होंगे जिसमें ग्रीन कैंडल शो करेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ले लो रेड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्टिंगल पे इसको विन कर सकते हो, 95% चांसेस में आपको यहाँ रेड कैंडल ही दिखेगी, ठीक है ना। अब आपको ग्रीन शो कर दिया, यहाँ पे आपको रेड ही दिखेगी, लेकिन अगर बाय चांस मान लो 1% अगर ये आपकी अपोजिट बन जाए, जैसे कि आप यहाँ पे रेड के लिए यानी कि डाउन के लिए ट्रेड ले लोगे 1 मिनट की, लेकिन आपकी ग्रीन बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया। अब मार्टिंगल आपको यहाँ, मार्टिंगल क्या होता है, आपने यहाँ 100 रुपये की ट्रेड प्लेस करी, नेक्स्ट ट्रेड पे आपको 200 रुपये की सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है, जैसे कि आपने यहाँ डाउन के लिए ली थी लेकिन आपकी लॉस हुई ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे मार्टिंगल पे 200 रुपये आपको डाउन लगा देनी है, बस आपकी विन हो जाएगी। बस सिंपल सी चीज़ समझनी है और कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली ट्रेंड में यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में जब इस टाइप गैप अप में ये बेबी कैंडल बने, उस बेबी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन में रेड कैंडल बन जाए आपकी, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड 1 मिनट की डाउन के लिए जाना है। अगर आपकी वो लॉस होती है तो वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे आपको मार्टिंगल पे आपकी वो विन हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी चीज़ समझनी है आपको। और जरूर और एक चीज़ और, ये मत सोचना कि मतलब ग्राफ में इतनी बड़ी कैंडल ये दिखा रखी है, जैसे ये वाली कैंडल होगी इतनी बड़ी या फिर ये कैंडल होगी इतनी बड़ी, कि इतनी बड़ी बनेगी तभी आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, छोटी कैंडल भी बन सकती हैं, ठीक है, इस टाइप की छोटी छोटी कैंडल हैं रेड इस टाइप की, लेकिन बस ये चीज़ देखनी है आपको, गैप अप और गैप डाउन बस। तो ये अपना पैटर्न है बियरिश अबॉन्डेड बेबी कैंडलस्टिक फिजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अभी हम इसको अपने लाइव मार्केट में देखते हैं, अगर इस टाइप का कोई हमें पैटर्न दिखता है तो हम वहाँ पे आपको लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे उस पैटर्न को, ठीक है, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, अगर इस टाइप का पैटर्न मुझे कोई बनता दिखेगा तो, अदरवाइज कोई पैटर्न दिखा तो मैं आपको समझा दूंगा लाइव ग्राफ में भी। अभी गाइस देख लो मैं अपने लाइव मार्केट में आ चुका हूँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा उस टाइप का पैटर्न देखते हैं, तो गाइस मैं वीडियो यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे मुझे वैसे उस टाइप का पैटर्न कोई मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन गाइस एक पैटर्न और मुझे यहाँ दिखा, देखो कल जो मैंने बुलिश वाला जो पैटर्न बनाया था, बुलिश अबॉन्डेड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो यहाँ पे थोड़ा उस टाइप का ये पैटर्न बन रहा है, देख लो बड़ी रेड थी बेबी कैंडल, बेबी का देखो ग्रीन मार्केट अपसाइड में। तो गाइस ये मेरा ये स्टार्ट करने का क्या मकसद है पता है, कैंडल स्टिक से मैंने इसलिए स्टार्ट कर लिया ये सीरीज, क्योंकि अगर आपको एक और कैंडल स्टिक समझ में आ गया ना, तो आप जैसे मान लो ये ग्राफ आपने ओपन कर दिया ये वाला, ठीक है,
अगर आपको यहाँ पैटर्न बनता दिखे तो आप एक सेकंड नहीं लगाओगे यहाँ पे, समझ जाओगे पैटर्न को देखती है कि यहाँ पे इस टाइप की मार्केट है, इसके बाद ये कैंडल बन सकती है या ये बन सकती है, इसलिए मैंने कैंडलस्टिक से स्टार्ट किया है। तो समझना, अभी मैं उस टाइप का थोड़ा देख लेता हूँ, इसके बाद वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज, हमें पैटर्न मिल चुका, देखो आपके सामने लाइव निकाल दिया पैटर्न। कंटिन्यू ट्रेंडी मार्केट थी, यहाँ पे कैंडल ये बनाई, बेबी कैंडल बनाई इसने, जिसका अपर वीक है 50%, बॉडी 10%, बाकी नीचे का जो वीक है 40%, उसके बाद रेड कैंडल बनाई कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में। देख लो आपके सामने लाइव है। तो गाइस जितने भी पैटर्न होंगे सभी पैटर्न पे डीपली वे में आपको समझाऊंगा, उसको विद लाइव मार्केट के साथ हर चीज को समझाऊंगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहना, और कुछ चीज नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। अब आपने देख लिया लाइव मार्केट में, आपको दिखाया है, रुको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा। सो गाइस बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन प्लीज कुछ ना कुछ कर देना, बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। और नीचे प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कॉटेक्स के फ्री सिग्नल चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक का, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि काफी भाई मुझे बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी वीडियो का, तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां पे बेल आइकन का एक ऑप्शन होता है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरी हर एक वीडियो की। तो अपना डे 3 आज कंप्लीट हुआ, कल मिलते हैं हम डे 4 में। चलिए गाइस बाय।